हेलो जी, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। तो शाम का टाइम है, 7:30 बज गया है और हम हो गए हैं रेडी। और देखिए ये लुक हमने लिया है, कैसा हमारा लुक लग रहा है। और हमारी हेल्प ये आज हमारी बेटी ने हमको तैयार करने में। तो आज कमेंट में बताना, देखिए किस तरह से बना के चला गया तू मुझे। हमारा पूरा लुक दिया है कि ये भी मैंने किया है, ये भी सब कुछ मैंने किया है फेस का। अभी फिलहाल ये है कि हम तैयार हो गए हैं, मतलब पूजा के लिए। पूजा करनी है, शाम के 7:30 बज गए हैं और 7:30 बजे पे चौथ माता की जो भोग वोग होता है ना, वो हम दे देते हैं अभी। और उसके बाद में फिर अर्घ देना हो रहेगा। तो जब चंदा निकलेंगे तो उसके बाद में हम छत पर तो हमसे दिखेगा नहीं, क्योंकि छत से तो बहुत घर नीचा है तो दिखेगा नहीं। तो फिर बाहर जाना पड़ता है। हर साल हम लोग बाहर जाते हैं, वो भी गली में खड़े होते हैं। हमको बहुत शर्म महसूस होती है जब हम गली के बाहर करते हैं ना, तो सब लोग देखते हैं तो हमको। लेकिन वो है पति पत्नी का जोड़ा है, तो इसमें शर्माने वाली बात है ही नहीं। पर फिर भी हमको बहुत झिझक लगती है। सब अपने घरों में करते हैं, और लेकिन हम ऐसे हैं जो आज हमारा वक्त ऐसा है कि हम जो गली में 10 बजे चंदा मामा आते हैं, हम तो जब दिखाई देते हैं ऊँचे ऊँचे घरों की वजह से, तब हमारा व्रत खुलता है। तो सभी का हो जाता है 10 बजे से पहले, लेकिन हमारा उस टाइम होता है। हम भी उस टाइम तक बर्दाश्त करते हैं हमको भी, लेकिन अब नहीं। व्रत जो हम करते हैं उसमें ना हमको अब एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है, मतलब अब बस का नहीं लगता है, इतना हार्ड हो जाता है। पहले जब घर था उस टाइम हमारा अपना, तो उस टाइम जल्दी हो जाता था। वो सबसे ऊंचा घर था तो दिख जाते थे चंदा मामा, और आज नहीं है। तो आज हमको 10 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी देखिए मेरी माता रानी जो चौथ माता है, देखिए मैंने इस तरह से बिठा रखी है। तो ये है मेरी चौथ माता, और इनको मैंने अच्छे से कथा वगैरह दीपक वगैरह जला के हमने, और अब मैं इनको भोग लगाने जा रही हूँ। बस भोग लगाकर जब मैं वहाँ जाऊँगी ना, वहाँ का भी सीन आपको मैं दिखाऊँगी। और मेरे साथ ना तीनों बच्चे जाते हैं, 2 साल से मेरे तीनों बच्चे जाते हैं। और अब की दफ़े तो बच्चे मेरे बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं हम दोनों के बीच में। रचित का कहना है कि मम्मी आप पापा का चेहरा चलने में कब देखोगे। तो मैं आज के लुक पर कमेंट जरा करके बताना कि किस तरह का लुक है। अगर मुझे आप जो भी है जैसा भी है आप अगर बताओगे तो मैं शायद कोशिश करूं नेक्स्ट एक से एक नया। तो देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ, मतलब भोग लगाकर, चौथ माता का भोग लगाकर आ गई हूँ। और हमारे यहाँ पर ये रिवाज है, मतलब ये जो गांठ है ना, इसमें हम जब कथा सुनते हैं ना तो गेहूं के दाने लेकर सुनते हैं। तो ये जो हमारे जो गेहूं के दाने होते हैं ना, वो हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं, और वही जब चंद्रमा को रख दूंगी ना तो इसको खोजी उसी टाइम खोलूंगी। तो आज मैं किचन में आ गई हूँ अब, और किचन में आज बनाया है विधि के पापा ने बनाया है आज। ये तो बनाए हैं आलू के गुलगुले, और मैंने बनाई हैं इसमें पूड़ियाँ बना के रख दी हैं। और ये बनाए हैं आज छोले बना के रख दिए। और इसमें बनाया है आज रबड़ी, तो रबड़ी बनाई है। और इस कुकर के अंदर है चावल। तो आज हम लोगों ने इतना सारा बना के रख दिया है। और अभी बज गए हैं 8 शाम के, तो बस तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिए टाइम भी दिखा देती हूँ आपको,
8 बज रहे हैं अभी, और अभी चंदा मामा निकलने में आने में टाइम है, सब वेट कर रहे हैं सब इंतज़ार में है और हम भी इंतज़ार में हैं सभी के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो, आप भी लाइन में होंगे चंदा मामा की। तो सभी के करवा चौथ सभी के जीवन में खुशहाली लाए, खुशहाली होके जाए, मेरी यही कामना मैं चौथ माता से करती हूँ। तो देखिए चांद निकल आए हैं, यहाँ जहाँ 3-4 साल से मैं इसी जगह पर आती हूँ और चंद्र को अर्घ देती हूँ यहीं से। तो देखिए मैं दे देती हूँ अभी, और अभी पूरी तरह से दिखते हैं यहाँ से चंद्रमा। इसे ना अब तो मैं ऐसे देख नहीं पा रही थी, क्योंकि दीपक से ना कम दीपक दीपक ना होता। ठीक है ठीक है, तो खत्म हो। हाँ भाई आ गया सर, हाँ भाई आ गया। चलो